सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। पीछे से और वहां पे नगर पालिका का शौचालय बन रहा था तो खुदाई करते समय यहां पे गैस लीकेज हो गई और गैस इतना तेज लीकेज हो गई कि बहुत तेजी से गैस का यहाँ पर रिसाव होने लगा। हम लोगों ने तुरंत दो फायर टेंडर यहाँ पे लगा के और गैस के ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, फव्वारा मारा गया, जैसे कि गैस पानी में डाइल्यूट हो जाए और आग लगने का खतरा कम हो जाए। उसके तुरंत बाद ये रास्ता रुकवा दिया गया, ऊपर की लाइट कटवा दी गई ताकि मैंने आग लगने का या इस तरीके का कोई भी खतरा खत्म हो जाए। वो करने के बाद हम लोगों ने फिर जो सीयूजीएल वाले हैं उनको बुलवाया गया और इस पाइपलाइन को बंद करा दिया गया और अब गैस लीकेज बंद हो गई है। एटमॉस्फेयर में भी जो गैस थी वो डाइल्यूट हो गई है, अब आग लगने का कोई खतरा नहीं है और स्थिति सामान्य हो गई। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका है ब्रेकिंग न्यूज। बांगरमऊ उन्नाव कंबल पाकर खिलौटे गरीबों को चेहरे, अधिकारियों को दी जी भर कर दुआएं। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एवं जिला अधिकारी उन्नाव के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी बांगरमऊ उदित नारायण सेंगर के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल श्री प्रकाश ने बांटे का सैकड़ा से अधिक गरीब व्यक्तियों को कंबल पाकर खिलौटे गरीबों के चेहरे, अधिकारियों को जी भर कर दी दुआएं। उप जिलाधिकारी बांगरमऊ ने बताया कि उनके तहसील क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति कंबल पाने से वंचित न रह जाए, इसलिए उन्होंने अपने तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों को निर्देशित कर दिया है कि वह ऐसे गरीब व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको ऐसी भीषण सर्दी में कंबल वितरण करे तथा कोई भी